स्वागत और अभिनंदन। कई सारे लोग कभी कभी पूछते हैं कि गुरुदेव, जो व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो गया, तो फिर वो बाद में सेक्स करता है या नहीं, करना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे ओशो आत्म साक्षात्कार को 21 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो गए, उपलब्ध हो गए, उनके भक्त कहते हैं वो प्रबुद्ध हो गए, तो बाद में फिर क्यों उन्होंने अपने शिष्यों के साथ माँ लक्ष्मी जैसी अन्य शिष्याओं के साथ, साधिकाओं के साथ सेक्स का लुत्फ लिया, आनंद लिया, घंटों प्रयोग किए सेक्स के, संभोग के? ऐसा क्यों होता है? और जो भी साधिकाएं या साधक हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो जरूर व्हाट्सएप पर या वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें कि आखिर वो कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। तो ये एक बड़ा मजेदार विषय है और बड़ा ज्ञान का है, सूझबूझ का है, हैरान करने वाला है कि कुछ लोग कहते हैं, हमने तो सुना जो समाधि में चले जाते हैं फिर उनको सेक्स की कोई जरूरत नहीं रहती है। तुमने बेटा केवल सुना है, तुमने केवल पढ़ा है, लेकिन हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, हमने जिया है। और समाधि के अनुभव को समाधिस्थ व्यक्ति के अंदर क्या बच जाता है, उस सब का आज विश्लेषण होगा, आज एक एक का ऑपरेशन होगा। जब ओशो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए, आपकी जानकारी को बता दूं, आत्म साक्षात्कार कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी अवस्था नहीं है। आत्म साक्षात्कार तो ऐसे ही है जैसे किसी नंगे व्यक्ति को, भूखे नंगे व्यक्ति के लिए कपड़े मिल जाए, या भोजन मिल जाए, कहीं पर जलेबी, दही जलेबी मिल जाए, और फिर वो उसको खा ले और थोड़ी देर के लिए उसको तृप्ति महसूस हो, कुछ अनुभव आ जाए उसके पास में कि क्या स्वाद होता है जलेबी का, क्या स्वाद होता है जब दही को मिश्रित करके खाते हैं जलेबी के साथ, वो अनुभव आ जाता है थोड़ा उसके पास। लेकिन उसकी जो पिछले गरीबी के कारण, अभाव के कारण, जो उसके अंदर एक आदत निर्मित हो गई है, चिंता की, भूख की, कंगालपन की, रिक्वायरमेंट की, वो एक बार की जलेबी खाने से कहाँ शांत होने वाली है। इसी पर चर्चा है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है, अद्भुत विश्लेषण होगा आपके लिए, बड़ा तगड़ा कमेंट है ये। तो ओशो को जब आत्म साक्षात्कार हो गया, मात्र 21 वर्ष की आयु में, जैसा कि उनकी इतिहास में मिलता है, इतिहास में फिर यह भी मिलता है आगे चल के उन्होंने सेक्स के भी गहरे प्रयोग किए, ना किए होते तो संभोग भी इतना कहाँ बोल पाते, सेक्सोलॉजी के ऊपर कहाँ इतना बात कर पाते, अनुभव दे पाते। ओशो ने इधर ही अनुभव लिया था, कहीं से नहीं, पिछले जन्म का, अगले जन्म का वो भी नहीं मानते थे। तो अब भक्त लोग क्यों कह रहे हैं कि पिछले जन्म का अनुभव शेयर करते थे? बकवास बात है। गहरा सेक्स करते थे वो, गहरा, कई कई घंटे अपनी हड्डियों की कुछ प्रक्रियाओं का अभ्यास करके कई कई घंटे तक वो अपना वीर को आउट नहीं होने देते थे, तंत्र के गहरे अभ्यास करते थे। तो जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर क्यों संभोग की जरूरत पड़ी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक ज्वलंत प्रश्न है उन साधकों के लिए जो बेचारे एकाकी जीवन जी रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, उनके सामने तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी।
बात यह है कि आत्म साक्षात्कार होना एक वैज्ञानिक बात है, एक मन की उच्चतम अवस्था है, उच्चतम। जब किसी साधक का प्राण तत्व सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से छठे केंद्र पर केंद्रित होने लगता है, ऊर्जा का जो छठा पड़ाव है उस पर जब ऊर्जा केंद्रित होने लगती है, तो वहां पर दसम द्वार थोड़े समय को प्रकट हो जाता है। और दसम द्वार जब प्रकट हो जाता है, तो द्वार के उस पार जो राज्य है, जो एक दिव्य लोक है, एक दिव्य सूर्य है, उसकी एक झलक का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होता है वहां पर, और वो थोड़े समय के लिए साधक आत्म विभोर हो जाता है, स्वर्गिक आनंद से भर जाता है। अगर वो कुछ क्षणों के लिए भी हुआ है, कुछ मिनटों के लिए भी हुआ है, तो एक डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड होती है। तो जब वो द्वार खुला, क्योंकि सुषुम्ना एक ऐसा चैनल है, मार्ग है, जिसके माध्यम से ही प्राण तत्व उसे दसम द्वार पे जाके खटखटाहट देता है, नॉक करता है, एक दरवाजे को खटखटा, वो दरवाजा खुल जाता है थोड़े समय को, अनायास ऐसा होता है। जो पहले के साधक रहे हुए होते हैं, उनके साथ ऐसा कभी कभी कहीं भी हो सकता है, कम प्रयास से भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जीवन भर प्राणायाम करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उनको विचारों को कुछ अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उनका जो चैनल है, उनका जो शारीरिक और मानसिक जो और प्राणिक जो स्तर है, पंचकोशीय साधना से वो गुजरे नहीं है, शोधन नहीं हुआ है, इसलिए वो द्वार नहीं खुलता है, उन्हें कोई डिवाइन अनुभव नहीं होता है। तो वो किताबों में पढ़ी हुई बातों को बकवास समझने लगते हैं, या फिर नास्तिक हो जाते हैं, या फिर बुद्धू बन के भेड़ की तरह चलते रहते हैं, करते रहो करते रहो। तो वो थोड़े समय के लिए जब दरवाजा खुलता है सूक्ष्म जगत का, डिवाइन इनविजिबल वर्ल्ड का, जब वो दरवाजा खुलता है, और जैसे खुला नहीं वैसे उधर का जो सूर्य है, एक परमानंद है, उसमें जीवात्मा का जो निम्न मन है, निम्न स्तर का जो मनोदशा है, वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तत्काल एक रूपांतरण हो जाता है थोड़े समय के लिए। उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है, उसके बाद वो फिर नीचे उसकी चेतना प्राण तत्व, उसकी संज्ञान संज्ञा जो नीचे नीचे जैसे तल पे नीचे की तरफ आती है, थर्मामीटर की तरह है, जब नीचे की तरफ जब आती है, तो निचले के केंद्रों से जुड़े हुए उसको संवेदन होने लगता है, अनुभव होने लगता है। हालांकि जो ऊपर का अनुभव लेके आया, वो भी उसके लिए बड़ा हैरान करने वाला है, बड़ा खुश करने वाला है, बड़ा अलौकिक है, लेकिन जैसे नींद से जगने के बाद थोड़ी देर नींद का असर रहता है, सुस्ती रहती है, थकान रहती है, मस्ती रहती है, खोया खोया सा रहता है कोई बच्चा, लेकिन धीरे धीरे हाथ पांव चलाता है, शरीर गतिविधि तेज हो जाती है, रक्तचाप तेजी से कार्य करने लगता है, और फिर जब नीचे उतरती है तो उसको भूख भी लगती है, भूख लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसको फिर थकान भी लगती है, और उसको लैट्रिन भी लगती है, पेशाब भी लगती है। आत्म साक्षात्कार होने का अर्थ ये बिल्कुल मत लेना तुम कि कोई व्यक्ति अपने लिंग से बेकार हो जाता है, या योनि में कोई संवेदना नहीं रहती है, ये बिल्कुल मत समझना। अगर ऐसा होता कि लिंग बेकार हो जाता, तो महायोगी कृष्ण ने इतने बच्चे कहाँ से पैदा किए, राम ने कहाँ से लव और कुश को जन्म दिया, कहाँ से वो पिता बनते। ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो समाधि में भी चले जाते थे, और फिर अपना सांसारिक जीवन के जो दायित्व कर्तव्य होते थे उनको भी पूरा करते थे।
कुछ लोग कहते हैं बुद्ध ने तो सेक्स किया नहीं इसके बाद में, तो मैं कहता हूं कि तुमने बुद्ध को देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो इतिहास है बहुसंख्यक महान लोगों का वो यही बताता है कि लिंग बेकार नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि बुद्ध समाधि में जाने से पहले, बुद्धत्व को प्राप्त होने से पहले जिन तपस्वियों के साथ में, हठ योगियों के साथ में साधना करते थे, तो कभी बुद्ध ने बुद्ध को काम वासना सताई हो और उस काम वासना को खत्म करने के लिए, लिंग के तनाव को दूर करने के लिए, हो सकता है किसी साधु सन्यासी ने उनसे कहा हो यह बाधा है तुम्हारी समाधि में, तो उन्होंने कुछ ऐसा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उन दिनों खा ली हो जिससे उनका लिंग एकदम डाउन हो गया हो, तो फिर उनको बाद में सेक्स करने की क्या जरूरत, उन्होंने तो अपना लिंग ही बेकार कर लिया। समाधि से उठने के बाद आंखें भी अपना काम करती हैं, कान भी अपना काम करते हैं, जुबान भी करती है, हार्ट भी करता है, पाचन तंत्र भी पूरा सिस्टम करता है, तो लिंग क्यों नहीं करेगा। वो धारा, प्राण की धारा, करंट की धारा, कुंडली शक्ति जब नीचे जब उतरती है तो लिंग भी खड़ा होगा, लिंग में भी तनाव आएगा। हाँ, उसके पास में एक आत्म नियंत्रण पैदा हो जाता है, एक संयम पैदा हो जाता है, जिसे पतंजलि योग दर्शन में कहा है कि संयम पैदा हो जाता है समाधि में पहुंचने से। इसके अलावा एक आध कारण और भी है कि ओशो को समाधि का अनुभव तो हुआ लेकिन उनको सेक्स का अनुभव लेने की मन में वासना शेष थी, एक भूख बची हुई थी, एक क्षुधा पिपासा बची हुई थी, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जमकर सेक्स के प्रयोग किया, बड़ा गहरा लंबा प्रयोग किया। आप कहेंगे मैं सहमत नहीं हूं मेरी बात से, मैं कहूंगा अगर वो 21 वर्ष की आयु में समाधिस्थ हो गए, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, तो उनको इतनी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत थी। मैं एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी भाषा से ही आप समझते होंगे मैं कितना बदतमीज और नालायक टाइप का। ओशो 21 साल की आयु में, मुझे लगता है 21 वर्ष की आयु में एक या दो विषय से अधिकतम कोई एमए कर सकता है, उन्होंने उसके बाद दो तीन बार और एमए किया, योग से पीएचडी किया, और फिर उसके बाद जब उनकी भूख खत्म नहीं हुई, उनकी हवस खत्म नहीं हुई, उनकी वासना खत्म नहीं हुई पढ़ने को लेकर के, तो उन्होंने हजारों हजारों लाखों 1,00,000 पुस्तकें पढ़ डाली। क्या पागलपन था, क्या हवस थी, क्या भूखापन था। ठीक इसी प्रकार से उनके सेक्स की जो आग थी वो समाधि में जाने पर भी शांत नहीं हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं विवाह तो करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो जिम्मेदारी का पद है, तो कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढा जाए। तो शिष्याएं मिल गईं, थोड़े वो भाग्य के धनी थे, अच्छी अच्छी शिष्याएं मिल गईं, फिर उन्होंने जो है उनके साथ जो किया है अनुभव सेक्स का, इतना अनुभव किया है कि पुस्तक ही लिख डाला संभोग से समाधि की ओर। तो ये उन्होंने गलत नहीं किया, क्योंकि अपनी वासना को तो बाहर जब तक निकाल नहीं देगा तब तक कोई सही मायने में प्रबुद्ध नहीं हो सकता है। बहुत सारे उनके जो अंधे भगत हैं, जैसे राम के भी अंधे भगत हैं, कृष्ण के भी बेवकूफ भगत हैं, बुद्ध के भी बहुत सारे अंधे भगत हैं, मोदी के भी बहुत अंधे भगत हैं, सोनिया के, राहुल के भी बहुत छिछोरे भगत हैं, ठीक इसी प्रकार से ओशो के भी बड़े बेवकूफ भगत हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे बेवकूफ भक्त हैं उनके, जो शायद मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा ये ओशो की आलोचना करना क्यों, जब ओशो ने राम की आलोचना किया, कृष्ण क्या किया, बहुत सारे लोगों की आलोचना किया, तो ओशो को नहीं झेलना पड़ेगा कि आलोचना आलोचना सही है या गलत है, तार्किक है, विश्लेषण पूर्वक है या नहीं, ये विचार का विषय है। मैं कोई पूर्व आग्रह से ग्रसित होकर के बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं। समाधि कुछ भी नहीं है, जैसे तमोगुण के लेवल पर तुम्हारी चेतना सुप्त हो जाती है, इनर्सिया में पहुंच जाती है, ठीक इसी प्रकार से सतोगुण की जो पराकाष्ठा है, तुम्हारी चेतना जब वहां पहुंच जाती है तमोगुण और रजोगुण को पार करके सतोगुण की पराकाष्ठा पे, तो वो एक समाधि अवस्था में रूपांतरित हो जाती है, माने तीन गुणों से थोड़ा और ऊपर खिसक जाती है। लेकिन जब नीचे उतरेगी तो हर गुण का एक अपना प्रभाव है, वो तो महसूस होगा।
जब समाधि के बाद तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई है, देखना बंद नहीं, तुम अंधे नहीं हुए, तुम बहरे नहीं हुए, तुम्हारा हार्ट बेकार नहीं हुआ, हार्ट स्टॉप नहीं हुआ, हगना मूतना बंद नहीं हुआ, चलना फिरना बंद नहीं हुआ, पढ़ना लिखना बंद नहीं हुआ, तो सारा संभोग कैसे बंद हो सकता है? हाँ, संभोग में एक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है कि तुम घंटों बैटिंग कर सकते हो, लंबी बैटिंग कर सकते हो, जितना चाहो उतनी देर। तो बस इसी हवस को पूरा करने के लिए ओशो ने संभोग के प्रयोग किए, और जो रामकृष्ण ने जो प्रयोग किए सेक्स के, वो संतान की प्राप्ति के लिए किए, वंश को आगे चलाने के लिए किए, दैट्स ऑल। संभोग तो एक ऐसी सीढ़ी है कि अगर तुम इस सीढ़ी से नीचे उतरे, अगर तुम्हारी चेतनता तो जीवन धारा, तो संसार चालू हो जाता है, और अगर ऊपर की ओर खिसक जाते हो, आप समाधि में प्रविष्ट कर जाते हैं। ये कोई बेकार की चीज नहीं है, ये कोई अतिशय युक्ति नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। मेरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, और बड़े बड़े विचारे अनपढ़ भी हमसे जुड़े हैं, इसीलिए हमें मिश्रित शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि हमारे जो अनपढ़ भाई बहन हैं, जो गांव देहात के हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं गांव देहात में भी जागरूकता पैदा हो, केले का ठेला भी चलाने वाला व्यक्ति भी मेरे ज्ञान को समझे और सुने और उस पर विचार करे और अपने जीवन को एक सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच। कहीं कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, उस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अनुभव के साथ बोलते हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो हमने किया नहीं, वो आप समझते ही होंगे कि कितनी बेवकूफ़ों जैसी हम कभी कभी बात करते थे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं अगर आप मुझे पागल भी कहेंगे, बेवकूफ़ भी कहेंगे, क्योंकि ये उपाधियाँ मेरे पर शोभा देती हैं। पागलपन तो है, एक ऐसा पागलपन जो शायद ही किसी को हो। ओम शांति ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले और अंधविश्वास खत्म हो, ठीक है ना? भगवान शंकर देख लो, महायोगियों में से आचार्य हैं वो, तो क्या उन्होंने सेक्स नहीं करते थे? अरे योगी के हाथ में दोनों लड्डू होते हैं, नीचे का भी मजा लेता है, ऊपर का भी लेता है। पता नहीं किन पाखंडियों ने, सालों ने, बकवास लोगों ने कह दिया है कि साधु सेक्स नहीं कर सकता है, महात्मा सेक्स नहीं कर सकता है, सब बकवास। ये जीवन आनंद तो योगी ही लेता है, नीचे के तल पे भी और ऊपर के तल पे भी। तो ओशो को एक खुजली थी, एक जिज्ञासा थी कि नीचे के तल पे क्या वो आनंद कैसा होता है। ऊपर का तो ले लिया, लेकिन नीचे का अनुभव नहीं हुआ। जैसे कोई दैव योग से हाई स्कूल पास करा दिया जाए, कृपा के ऊपर बाय ग्रेस ऑफ गॉड या बाय ग्रेस ऑफ एकेडमी, हाई स्कूल पास करा दिया, लेकिन उसे लगता है कि ABCD की क्या है वैल्यू है, छोटे क्लास को उसने क्रॉस नहीं किया, अचानक से जैसे कि बड़े घर में कोई पैदा हो जाता है, तो उसने गरीबी का आनंद नहीं लिया, तो कभी कभी वो गरीब बन के भी देखता है, नीचे उतर के देखता है। ठीक इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं नीचे के तलों का भी मजा लेते हैं, ताकि नीचे की जानकारी वो लोगों को दे सकें। और ओशो कि वो समाधि की बात ही करते रहते अगर संभोग का अनुभव नहीं किया होता, तो ये तो महापुरुषों की करुणा है। क्यों, ठीक है ना?